ये जो सारे गिदड़ मिलकर के इकट्ठा हो गए हैं, ये सोचते हैं गिदड़ गिदड़ मिलकर के एक शेर को परास्त कर देंगे। शेर शेर है, जैसे केजरीवाल के तीन मिनिस्टर जेल के अंदर हैं, चोरों का सरगना केजरीवाल ये भी जल्द जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देने वाला है। कट्टर ईमानदार है हमारा, कट्टर क्या घंटा ईमानदार है, घंटे का कट्टर ईमानदार है। पहले कहता था गाड़ी नहीं लूंगा, आज 42 गाड़ियों के काफले में घूमता है, आप इसको कट्टर बताते हो? पत्रकार जी आप झूठ बोलते हो। नहीं वो कह रहे हैं, मैंने फिर बोला वो कह रहे हैं, वो तो कट्टर ईमानदार, वो तो एक नंबर का झूठा है। आपको चाहिए उसकी सच्चाई सामने लाए। क्या नाम? इरफान सलमानी देहलवी। कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार चूंकि अल्पसंख्यक विरोधी है तो अल्पसंख्यकों की जो बात करता है उन्हें जेल में डाल दे। कौन कहता है मोदी सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है? विपक्ष तो झूठ बोलता है, विपक्ष तो दलाली खाता है, विपक्ष सत्ता के लालच में मोदी जी को बदनाम करता है। मैं अल्पसंख्यक होने के नाते से ये आपको ये आज आश्वासन देता हूँ, अपनी कौम को आश्वासन देता हूँ कि मोदी जी अल्पसंख्यकों के हित में काम कर रहे हैं, विरोध में काम नहीं कर रहे हैं। कौन सा काम नहीं किया है? इतनी योजनाएं नकवी जी के राज्य में निकली हैं जब वो मंत्री पद पर थे कि लोगों ने ली तलक नहीं है। हमारे अल्पसंख्यक समाज में शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी नहीं होती तो मुसलमानों के घर में इतना राज आ जाता, इतना काम आ जाता। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए योजना है, सुकन्या योजना है, सिलेंडर योजना है, घर पर छत की योजना है, ये सब मोदी जी की योजना है। राहुल ने कौन सी योजना? कहते एक भी सांसद मुसलमान नहीं है, वो बात एक अलग है, वो बात अलग है, उसको छोड़िए। सांसद बहुत सारे हैं और आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास की बात की है, मोदी जी ने मुसलमानों के हित की बात की है, मोदी जी ने मुसलमानों के लिए कोई विरोध में कार्य आज तक नहीं किया है। राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, कहते हैं 80 के दशक में मुसलमानों की जैसी दलितों की जैसी हालत थी, वैसे आज के देश में आज के समय में मुसलमानों, अरे आज मुसलमान देखिए आप मोदी जी के गृह क्षेत्र में, वहाँ तो BMW लेकर घूम रहे हैं मुसलमान, तो कहाँ से दशा खराब हो गई? पहले कभी इतनी BMW मुसलमान के पास नहीं हुआ करती थी, आज सबसे ज़्यादा BMW मुसलमान के पास हैं। जाकर देखिए तो सही, आप छानिए तो सही, जाकर के पता लगेगा कि मुसलमान कितने साक्षर क्षमता उनके अंदर आ गई है, उनके रोजगार बढ़ गए हैं। अच्छा ओवैसी साहब ये कहते हैं कि देखिए अब तो सरकारी योजनाओं से, सरकारी नौकरियों से भी जो है वो मुसलमानों को बेदखल किया जा रहा है। कहीं नहीं किया जा रहा, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है विपक्ष का। ये जो सारे गिदड़ मिलकर के इकट्ठा हो गए हैं, ये सोचते हैं गिदड़ गिदड़ मिलकर के एक शेर को परास्त कर देंगे। शेर शेर है, आने वाले 24वें साल में जब चुनाव होगा ये शेर उभर कर आएगा, एक गिदड़ सारे सुरंग में घुस जाएंगे। वो तो यही कह रहे हैं, जब से इंडिया गठबंधन बना है इतना घबरा गई है मोदी सरकार कि जो मुखर आवाजें हैं पहले उनको संसद में नहीं बोलने दिया और अब जो है उनको जेल में डाल दिया। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया ठगबंधन है, ठगबंधन। जनता को ठगने के लिए चोर चोर मोसरे भाई इकट्ठे हो रहे हैं, इन सबको जेल के पीछे जाना होगा। जैसे केजरीवाल के तीन मिनिस्टर जेल के अंदर हैं, चोरों का सरगना केजरीवाल ये भी जल्द जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देने वाला है। कट्टर ईमानदार है हमारा, कट्टर क्या घंटा ईमानदार है, घंटे का कट्टर ईमानदार है। पहले कहता था गाड़ी नहीं लूंगा, आज 42 गाड़ियों के काफले में घूमता है, आप इसको कट्टर बताते हो? पत्रकार जी आप झूठ बोलते हो। नहीं वो कह रहे हैं, मैंने फिर बोला वो कह रहे हैं, वो तो कट्टर ईमानदार, वो तो एक नंबर का झूठा है। आपको चाहिए उसकी सच्चाई सामने लाए। आपसे बात घूमता है शीश महल में, एक बाथरूम में 22 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ लगा दिया, एक गरीब आदमी के जेब में से पैसा निकाल कर और अय्याशी कर रहा है। कोई बाथरूम देखा आपने इतना महंगा? शीश महल देखा इतना महंगा? झूठा है, मक्कार है, इसीलिए जेल के पीछे जाने वाला है। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने जो स्कूल बढ़िया बना दिए, अस्पताल बढ़िया बना दिए, इससे मोदी सरकार परेशान हो। सर कौन से अस्पताल में आपको वेंटिलेटर की जरूरत है? अभी लेकर दिखा दीजिए, धक्का खाना पड़ेगा, आपका मरीज मर जाएगा, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, यही मॉडल है। और अगर सरकारी स्कूल अच्छे बना दिए हैं, इनके अपने बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? इनके मंत्री के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? क्यों नहीं मेरे बच्चों के साथ अब सरकारी स्कूल में पढ़ा देते? बेईमान हैं, चोर हैं। क्या लग रहा है, ये जो विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी घबरा गए हैं इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या सच्चाई है? सच्चाई देखिए, अब जो गठबंधन बना है, गठबंधन में आपने देखा होगा जो लोग आपस में लड़ा करते थे, आज मोदी जी को हटाने के लिए सब एक हो रहे हैं। डर वो अब सब जनता को दिख रहा है, डर कौन रहा है? अगर डर का माहौल होता तो यहाँ बुलाया जाता, लेकिन वो खुद एकत्रित हो रहे हैं, डर का माहौल उनके बीच में। और जो आज ये आंदोलन देख रहे हैं शराब घोटाले के ऊपर, अभी 3 से 4 महीने पहले और लॉकडाउन से ही देख रहे हैं कि जिस प्रकार से नशा बढ़ाया गया दिल्ली में, एक के ऊपर एक फ्री, बाय वन गेट वन जैसे ले जाओ, युवाओं के अंदर नशा इतना भर दिया गया। अभी भी शराब के घोटाले में देखिए, इनके शिक्षा मंत्री अभी वो शराब मंत्री हैं, संजय सिंह को देख लीजिए वो भी अंदर हैं। अभी इनके एक एक नेता यह आंदोलन कर करके आए थे
राजनीति में, और इसी आंदोलन के माध्यम से केजरीवाल को बताया जाएगा कि जनता जागरूक हो चुकी है, आप जितना भी घोटाला कर लो जनता के सामने हम रखेंगे और जल्द ही आप ये सत्ता छोड़ दोगे। लेकिन बात यह, वो कह रहे चलो मनीष सिसोदिया तो मंत्री थे, ठीक है, सत्येंद्र जैन मंत्री थे, संजय सिंह तो राज्यसभा सांसद है, दिल्ली की पॉलिसी से उनका क्या लेना देना। संजय सिंह तो मोदी के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, कह रहे इसलिए घबरा गए मोदी जी, इसलिए ईडी को भेज दिया उनके। एक बात बता दूं मैं आपको, जैसे आपने बताया मनीष सिसोदिया जी मंत्री रहे, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़े जो संजय सिंह है पार्टी के अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर संजय सिंह सबसे बड़े करप्ट इंसान है, पूरे पार्टी का लेखा जोखा, पैसा कहाँ से लाना है, पैसा किन को पहुँचाना है, पैसा किधर से कौन आएगा, किसको ब्लैकमेल करना है, किसको डराना है, सबसे मेन तो संजय है। जो जिस प्रकार तो गरीबों के मसीहा है ये कह रही है आम आदमी पार्टी, मतलब ही नहीं होता गरीबों के मसीहा, कहाँ से गरीबों के मसीहा, गरीबों का पैसा चूस चूस कर वो रात में जो बाहर आम पब्लिक के लिए नहीं खुलता, वो रात में 3-3 बजे बाहर खुलकर वहाँ पर डील हो रही है, गरीबों के मसीहा कहाँ से हो गए। क्या नाम हुआ भाई? क्या नाम हुआ आपका? रईस अहमद। कह रहे हैं अहमद साहब कि देखो अल्पसंख्यकों की बात करते थे, गरीबों की बात करते थे, इसलिए जो है संजय सिंह को भाजपा ने जेल में डाल दिया। देखो ऐसा है, संजय सिंह जब करते थे लोग कहते थे पहले पनौती अपनी अपना समझते थे कांग्रेस के मुस्लिम में हमारे हैं, ठीक है बिल्कुल था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं हमारे 2014 से, उस दिन से मुसलमान इतना स्ट्रांग होगा, अगर देश का विकास अगर कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वो नरेंद्र मोदी है, वो भाजपा पार्टी है, इसलिए मुसलमान जो है ना इनके सारों को सबको देखने के बावजूद उसके बावजूद सारा मुस्लिम जो है ना एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के पास आ चुका है, और मोदी जी को 2024 में पहले से भी 50 सीट दे करके ज़्यादा बनाएंगे। हाँ जी, वो तो कह रहे हैं अल्पसंख्यक समाज इतना नाराज हो चुका है कि जमानते जब्त होने वाली है, वो इसलिए कह रहे हैं भाई जो चीज उनके पास थी तुम्हारी जेब में अगर 10 रुपए वो निकाल ले जाए तो तुम क्या कहोगे कि मेरे चोरी हो गए, यही तो कहो। क्या चीज थी उनके पास? है जी, क्या चीज? वो मुसलमानों को अपना वो मानते थे कि भाई वो तो वोट बैंक, और जब वो वोट बैंक उनसे खिसक गया है तो क्या कहेंगे वो अल्पसंख्यक का, अगर मान अगर सम्मान करा है तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? वो नरेंद्र मोदी जी लाल किले प्राचीन जैसी मंदिर से खड़े होकर के 140 करोड़ भारतवासियों के लिए, उसमें कोई हिंदू या मुस्लिम कोई जाति बिरादरी का ना, वो कहते कि 140 करोड़ अब मेरे अपने परिवार, मेरे निजी अपने परिवार, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं आता, उसमें सारे अपने परिवार। मोदी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं हुई हैं, मुस्लिमों के लिए जितना मोदी जी ने किया है, मुझे नहीं लगता आने वाली जो पुरानी सरकारें रही हैं और आने वाली कोई भी सरकार कर पाएगी, मोदी जी जैसा नेतृत्व सरकार भारत सरकार को नहीं मिल सकता। मुस्लिमों के असली मसीहा तो आम आदमी पार्टी वाले हैं, अमानतुल्ला कहते कि हम हैं दिल्ली में मुसलमानों के नेता। अमानतुल्ला के बारे में कल आपने देखा था ईडी की रेड पड़ी थी, अमानतुल्ला खान ने वक्फ बोर्ड की जमीन, जो कि वक्फ बोर्ड ऐसी चीज होती है, वक्फ बोर्ड की जमीन हड़प की है, मुसलमानों के लिए क्या सोचेंगे? मुसलमानों के लिए अगर सोचना होता तो उनके जाके मदरसों में देखिए बच्चे क्या पढ़ते हैं, ये केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन हड़प ली, और भी बहुत सारे घोटाले अभी देखिएगा आने वाले समय में, अमानतुल्ला खान जैसे जितने भी नेता हैं आम आदमी पार्टी के, सभी नेताओं के ऊपर कुछ ना कुछ करप्ट है, और भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं। अमानतुल्ला खान रोहिंग्या मुसलमानों के, जो दिल्ली के ओखला से वो विधायक रहते हैं वहाँ पर उनकी बसावट कर रहे हैं, और भारतीय जो मुसलमान हैं उनका हक मार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, आप भी जा करके देख लीजिएगा ओखला जैसी विधानसभा, और भी ऐसे अमानतुल्ला खान जैसे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों को वहाँ पर मतलब एकजुट कर रहे हैं, उनको उनके डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और उनको पब्लिकली एक वोटर्स बना करके अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं ऐसे लोग। अच्छा, तो आप लोगों का क्या टेक है इसमें, भारतीय मुसलमानों का क्या टेक है? भारतीय मुसलमानों का ये टेक है कि मतलब देखिए हमारे लिए क्या, जो भारत है हमारी भूमि है, अगर कोई शरणार्थी आता है तो उसके तरह घूमने आता है तो वीजा लेके आता है, ये इनलीगल तरीके से इनलीगल तरीके से इनके डॉक्यूमेंट तैयार करके इनको यहाँ सेट कर देना, ये तो हमारे मतलब हमारी जगह से नहीं जा रही, बाहर निकालेंगे तो कहेंगे मोदी जी मुसलमानों पे अत्याचार करते हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए अगर मेरे घर में कोई चोर घुस जाए तो क्या मेरा हक नहीं है उस चोर को बाहर निकालने का? बिल्कुल, तो इसमें मैं कहाँ गलत हो गया? मोदी जी हर एक गलत हर एक करप्ट बंदे को बाहर निकालेंगे, और हम मोदी जी के साथ। लेकिन वो तो मोमिन मोमिन भाई भाई का नारा लगाने लग जाते हैं ना, ये तो देखिए राजनीति है ना, जब तक वो ऐसी बातें करेंगे नहीं लोगों को उलझाएंगे नहीं। आज भी देख लिए भारत का हर मुसलमान मोदी जी के साथ चल रहा है, भारत का जो भी मुसलमान है समझदार हो गया। मोदी जी ने इसराइल का साथ दिया, एमयू पे फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं। देखिए फिलिस्तीन के नारे की बात करता हूँ, देखिए प्लीज जो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं, फिलिस्तीन का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो फिलिस्तीन के माध्यम से जो हमास जैसे संगठन आतंकवादी संगठन उसका यूज करके जो जिस प्रकार के गलत गलत कार्य कर रहे हैं हम उनका विरोध करते हैं। जो नाम पर तो भाई साहब धोखा किया जा रहा है,
जो घटना इसराइल के अंदर हुई घटित हुई, जिस तरह से इसराइल की औरतों को बच्चों को सरेआम भूना गया गोलियों से और उनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया, ये कोई वैसा संगठन नहीं, यह आतंकी संगठन है हमास, जिसका विरोध कर रही है पूरी दुनिया। और जो लोग ये कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के साथ नहीं है, मोदी जी ने मुस्लिमों के पक्ष में फिलिस्तीन का समर्थक नहीं किया, ऐसे लोगों का समर्थन नहीं किया जा सकता। मुस्लिम कार्ड खेलना छोड़िए, ये सिर्फ हमास केवल एक आतंकी गुट है और जिस तरह से वो हरकतें कर रहा है उसका सर्वनाश इसराइल के अंदर हो रहा है। अरे असदुद्दीन ओवैसी साहब तो हमास को आतंकी संगठन नहीं कह रहे, यहाँ पे तो लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी कह के संबोधित कर रहे हैं। ओवैसी साहब तो अपने आप में बड़े लीडर बनते हैं, जबकि ओवैसी साहब को बता दूं उनके मुसलमानों के रहनुमा है भाई साहब। बिल्कुल नहीं, ये तो उनकी सोच है और उनके पास कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी जो इस प्रकार की बातें करते हैं। ओवैसी साहब किसी के रहनुमा नहीं है, हम नहीं मानते ओवैसी साहब को रहनुमा, हम नहीं मानते बिल्कुल भी ओवैसी साहब को रहनुमा। ओवैसी साहब बिल्कुल मुस्लिम समाज के लिए क्या करते हैं बताइए, मुस्लिम समाज के लिए करना होता तो उनके एजुकेशन पे बात करते, वो केवल अपनी राजनीति सेक रहे हैं, वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीट बढ़ा सकें और एक अपना दायरा बढ़ा सकें, इसके अलावा उनका कुछ काम धाम नहीं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? देखो अमातुल्ला खान जिनका आप नाम ले रहे हैं या ओवैसी का आप नाम ले रहे हैं, यदि ये मुसलमानों के सच्चे रहनुमा होते तो मुसलमान भाई आज उनके साथ खड़े होते। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से ओवैसी को भगाया गया, बिहार के अंदर से, अन्य राज्यों के अंदर से, पश्चिम बंगाल के यहाँ से, आप चाहे आपका अपना उत्तराखंड कह दो, तो ये मुसलमानों के रहनुमा नहीं है, ये मुसलमानों के नाम पर छल करने वाले लोग हैं ओवैसी साहब जैसे लोग, और हमारे मुसलमान भाई इस चीज़ को जानते हैं और आज इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं।